बॉलीवुड में रीमेक का चलन पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अब ये ट्रेंड बन चुका है। पहले से ही सफल साउथ और हॉलीवुड की मूवीज़ को हिंदी में बनाया जाता है और ये काफ़ी हद तक सफल का फार्मूला बनती है। कुछ फिल्मों को आधिकारिक तौर पर रीमेक बनाया जाता है तो कुछ की कहानी मिलती जुलती होती है। तो आइए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे साउथ की ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ के बारे में जो कि हिंदी में बनाई गई और वो भी काफ़ी हिट साबित हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। नंबर वन, फोर्स। फोर्स 2011 की भारतीय भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि निशिकांत कामत द्वारा निर्देशक है, जिसमें जॉन इब्राहिम, जेनिलिया डिसूजा और विद्युत जामवाल मुख्य भूमिका में। ये गौतम मेनन की 2003 की सफल तमिल फिल्म काका काका का रीमेक है, जिसमें सूर्या और ज्योतिका मुख्य भूमिका में। और ये वफादार पुलिस वालों के बारे में है जो एक खूंखार गैंगस्टर को पकड़ने का पीछा करता है। फिल्म 30 सितंबर 2011 को रिलीज हुई और रिलीज होने पर इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। जॉन इब्राहिम के प्रदर्शन की जनता ने प्रशंसा की। नंबर दो, गजनी। गजनी एक 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एआर मुरुदास द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया, जिसे अल्लू अर्जुन, टैगोर मधु और मधु मंटिना द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया। मुरुदास की उसी नाम की 2005 की तमिल फिल्म का रीमेक है, जो 2000 की फिल्म मेमेंटो और 1951 की ब्रिटिश फिल्म हैप्पी दोगलोली से प्रेरित है। इसमें आमिर खान, आसिन ने अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत में अपनी मूल भूमिका को दोहराया है। जिया खान और प्रदीप रावत, सह कलाकार टीनू आनंद, सुनील ग्रोवर, खाली सिद्दीकी और रिया से। नंबर तीन, तेरे नाम। तेरे नाम 2003 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक सतीश कौशिक ने किया है। बाला और जैनेन्द्र जैन द्वारा लिखित इस फिल्म में सलमान खान और भूमिका चावला ने अपने बॉलीवुड डेब्यू में अभिनय किया। यह फिल्म बाला की अपनी तमिल फिल्म सेतु की रीमेक है, जिसमें चियान विक्रम ने अभिनय किया था। यह फिल्म बाला के एक दोस्त की वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित थी, जो प्यार में पड़ गया था, अपना दिमाग खो दिया था और एक मानसिक शरण में समाप्त हो गया था। नंबर फोर, जुड़वा। जुड़वा एक 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो डेविड धवन द्वारा निर्देशित है, जो साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित और कादर खान, दलीप दाहिल, शक्ति कपूर, दीपक शेरके, अनुपम खेर के साथ सलमान खान, करिश्मा कपूर और रंबा द्वारा अभिनीत है। सतीश शाह और मुकेश ऋषि सहायक भूमिकाओं में है। 7 फरवरी 1997 को रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। ये फिल्म तेलुगु फिल्म हेलो ब्रदर की रीमेक है, जो बदले में हांगकॉन्ग एक्शन कॉमेडी से प्रेरित है। नंबर फाइव, वांटेड। वांटेड एक 2009 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशक प्रभु देवा ने किया है। 2006 की तेलुगु फिल्म पोकिरे की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। फिल्म में सलमान खान, आयशा टाकिया, प्रकाश राज, जबकि विनोद खन्ना, महेश मांजरेकर और इंदर कुमार सहायक भूमिकाओं में दिखाई दी। प्रभु देवा, गोविंदा और अनिल कपूर ने फिल्म में विशेष भूमिका निभाई। नीरव शाह और सेतु श्रीराम ने छायांकन संभाला, जबकि दिलीप देव ने फिल्म का संपादक किया। साउंड रिकॉर्ड साजिद वाजिद द्वारा रचित है। नंबर सिक्स, रेडी। रेडी 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशक अनीस बजवी ने किया है। टी सीरीज फिल्म रवेल ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट एंड सॉफ्टवेयर प्राइवेट द्वारा निर्मित, लिमिटेड सोहेल खान प्रोडक्शन और हीरोज इंटरनेशनल। ये फिल्म श्रीनु वैतला द्वारा निर्देशित इसी नाम की 2008 की तेलुगु फिल्म की आधिकारिक रीमेक है। नंबर सेवन, भूल भुलैया। भूल भुलैया प्रिय दर्शक द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म बैनर के तहत भूषण कुमार और कृष्ण कुमार निर्मित ये 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। 1993 की मलयालम फिल्म मणिचित्र थाजू की रीमेक है। फिल्म में अक्षय कुमार, मनीषा पटेल, शाइनी आहूजा, विज्ञा बालन, परेश रावल, मनोज जोशी, असरानीर, राजपाल यादव, विक्रम कोहली। नंबर एट, हेरा फेरी। हेरा फेरी प्रिय दर्शक द्वारा निर्देशित 2000 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल और तब्बू ने अभिनय किया। ये फिल्म 1989 की मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक है। 1971 की टीवी फिल्म सी द मैन रन पर आधारित थी। फिल्म ने 2006 में रिलीज हुई एक सीक्वल हेरा फेरी को जन्म दिया। ये हेरा फेरी फ्रेंचाइज की पहली किस्त है। नंबर नाइन, हाउसफुल टू। हाउसफुल टू 2012 की एक भारतीय हिंदी कॉमेडी फिल्म है, जो साजिद खान द्वारा निर्देशित और साजिद नाडिया द्वारा निर्मित है, जो मलयालम फिल्म मट्टू पेट्टी मचान और हाउसफुल फिल्म के फ्रेंचाइज का दूसरा भाग है। फिल्म में अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम, जैकलिन फर्नांडिस, रितेश देशमुख, जरीन खान, सुरेश तलपड़े, शाजन पद्मसी, चंकी पांडे, मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर और रणधीर कपूर जैसे बड़े कलाकार हैं। नंबर टेन, बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे सिद्दीकी इस्माइल द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। दिलीप और नए नतारा अभिनीत उसी नाम के निर्देशक 2011 की बॉलीवुड फिल्म की रीमेक है। फिल्म का निर्माण अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री द्वारा किया गया है। इसमें सलमान खान और करीना कपूर मुख्य भूमिका में, जिसमें आदित्य पंचोली एक विशेष भूमिका में। इसमें राज बब्बर, महेश मांजरेकर और हेजल किज भी है।